कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं दो लड़कियों को भागते हुए, जहाँ ये दोनों काफी घबराई हुई लग रही होती है, जैसे कि इनका कोई पीछा करा हो। और हमारा शक सही होता है, कोई इनका पीछा करा होता है। अचानक से इनके सामने कुछ वॉर्म्स आ जाते हैं जो कि काफी बड़े होते हैं, जो कि इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे एक लड़की दूसरी लड़की की जान बचाने के लिए अपना त्याग कर देती है, जिसका नाम ट्रिया होता है। वो वॉर्म उसे मार देता है और उसे पूरी तरह निगल लेता है। उतने में हम देखते हैं एक आदमी को जो कि इसे कहता है कि लूमा अब तुम बच के कहाँ जाओगे। वही हम देखते हैं लूमा को जो कि यहाँ पे प्रेयर करने लग जाती है और गॉड की हेल्प मांगने लग जाती है। पर याद में कहता है लूमा तुम कोई सी भी प्रेयर कर लो, तुम्हें गॉड नहीं बचा सकते। पर लूमा अपनी प्रेयर करने से रुकती नहीं और गॉड की हेल्प मांगती रहती है, जिसके बाद हम देखते हैं आदमी एक समन बुला लेता है जो कि कुछ मशरूम जैसा दिख रहा होता है, पर उसके हाथ काफी ज्यादा अजीब होते हैं। वो लूमा को पकड़ लेते हैं और चारों ओर से उसकी बॉडी पार्ट्स को घेर लेते हैं और लूमा को पकड़ के चारों ओर से खींचने लग जाते हैं और साथ ही साथ लूमा के कपड़े भी फाड़ देते हैं। लूमा इसे कहती है कि ऐसा मत करो, ये इंसानियत के खिलाफ है। पर वो आदमी इसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा होता, जिसके बाद आखिरी बारी इसके एक लास्ट कपड़े की आती है। पर उतने हम देखते हैं लूमा के अंदर से लाइट चमकने लग जाते हैं, ये इंसान हैरान हो जाता है। पर अचानक से डियाबोलो आसमान से इस मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाता है, जिससे इस मॉन्स्टर की डेथ हो जाती है। लूमा को लगता है ये एक गॉड है। हमें फिर कुछ समय पहले दिखाया जाता है जहाँ शुरुआत होती है शेरा के बलूज को दिखाते हुए, जहाँ पे ये दोनों किसी चीज को लेकर बहस कर रही होती है। यहाँ पे शेरा इसे कहती है कि हम सन बाथिंग कर सकते हैं, सन काफी अच्छा निकला है वो भी बिना कपड़ों के। पर रैम इसे कहती है वो काफी ज्यादा ठरकी है, उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। पर शेरा इसे कहती है बिना कपड़े उतारे वो सन बाथिंग कैसे करेंगे। वही पे हम देखते हैं डियाबोलो को, जिसे ये दोनों पकड़ लेते और पूछते हैं कि बिना कपड़ों के भी ये तो सन बाथिंग कर सकते हैं। पर डियाबोलो की नजर तो सिर्फ शेरा के बलून पे होती है। शेरा इसे सन बाथिंग के ऊपर ओपिनियन पूछती है, पर डियाबोलो सन बाथिंग के ऊपर ओपिनियन देने से बिल्कुल मना कर देता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता। तेमें रैम भी यहाँ पे अपनी नींबू लगा देती है, डियाबोलो को समझ नहीं आ रहा होता, एक तरह बलून और दूसरी तरह नींबू। पर ये कहता है कि हम यहाँ पे सन बाथिंग करने नहीं आए, हम तो यहाँ पे एक नया स्पेल ट्राई करने के लिए आए। ये दोनों पूछते हैं कि नया स्पेल, डियाबोलो कहता है कि हाँ फ्लाइट स्पेल, जिसका यूज करके ये लोग हवा में उड़ सकते हैं। डियाबोलो फिर एक लकड़ी के पास जाता है जो कि बहुत बड़ी होती है, जिसके बाद वो अपनी स्पेल का यूज करने लग जाता है। यूज करते हुए इसे कमांड देता है कि इसके इशारे पे इस लकड़ी को चलना पड़ेगा, जिसके बाद वो लकड़ी यहाँ पे हवा में उड़ने लग जाती है। यहाँ शेरा काफी ज्यादा खुश होती है, उसके बलून्स भी। यहाँ पे डियाबोलो फिर उस लकड़ी को हवा में उड़ाने लग जाता है, वो काफी ज्यादा खुश होता है कि पहली बार में उसका स्पेल काम कर गया। डियाबोलो फिर हवा में उड़ने लग जाता है। डियाबोलो सोचता है कि डंजन में ऐसी चीजें मिल जाती है जिससे आप हवा में उड़ सकते हो। डियाबोलो को फिर एक एनर्जी दिखती है, यहाँ पे शेरा को भी वो महसूस होती है, ये लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। डियाबोलो को समझ नहीं आ रहा होता ये मैजिक कहाँ से आ रहा है, जिसके बाद अचानक से इसका मैजिक फेल हो जाता है और ये नीचे गिर जाता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ लूमा गलती से डियाबोलो को गॉड समझ लेती है, बट डियाबोलो उसके संतर को ही देख रहा होता है। वो सोचता है क्या ये लड़की यहाँ पे सन बाथिंग ले रही थी, पर डियाबोलो की नजर उसके संतर से हटी नहीं होती। और साथ ही साथ लूमा काफी ज्यादा क्यूट होती है, इसी वजह से डियाबोलो उसे ही देख रहा होता है। पर उतने में वो इंसान कहता है तुम जैसे डीमन की वजह से मेरा मशरूम मॉन्स्टर मारा गया, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ये आदमी फिर लूमा को बताता है ये कोई गॉड वॉर्ड नहीं है, ये एक नॉर्मल डीमन है जो कि किसी काम का नहीं है, इसे मैं अपने मशरूम मॉन्स्टर से अभी मार गिराऊंगा। वहीं पे हम देखते हैं लूमा को जो कि कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक गॉड है जो कि ऊपर से उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे है। लूमा डियाबोलो को कहती है उसकी आंखों पे उसे विश्वास नहीं हो रहा, गॉड उसकी हेल्प करने के लिए है। पर डियाबोलो उसे कहता है तुम्हें कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए, तुम्हारे कपड़े काफी कम है। पर इतने में ये शर्मा जाती है, जिसके बाद डियाबोलो समझ जाता है कि आदमी इसे सता रहा था, जिसके बाद डियाबोलो अपनी जैकेट इसे पहनने के लिए दे देता है। लूमा डियाबोलो का शुक्रिया करती है, पर डियाबोलो सोचता है ये कितनी हॉट लगेगी इस कोट को पहन के। डियाबोलो अपनी गंदी सोच को साइड में रखता है और लूमा को कहता है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उतने में वो आदमी कहता है ये कोई गॉड वॉर्ड नहीं है, ये एक डीमन है, उसके अलावा कुछ नहीं। डियाबोलो फिर से बताता है कि सच मुझे गॉड नहीं है, वो एक डीमन है। पर इससे पहले ये बोलता है लूमा कहती है उसे गॉड ने भेजा है जो कि हेवन से है। तो डियाबोलो सोचता है कि सच मुझे कोई भी लड़की उसे बोलने का मौका ही नहीं देती है। पर अचानक से डियाबोलो देखता है कि लूमा के अंदर से वही लाइट आने लग जाती है जो कि उसने उड़ते समय देखा था। लूमा इसे सावधान रहने के लिए कहती है, डियाबोलो से कहता है चिंता मत करो। उतने में देखते वो आदमी डियाबोलो के ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डियाबोलो इसके कपड़े देख के समझ जाता है ये भी सर लड़की तरह एक पैलेडिन का आदमी। ये फिर इसे पूछता है आखिरकार इस लड़के को क्यों माना चाहता है। ये आदमी इसे कहता है इसके ग्रुप के लीडर विशोस का ऑर्डर था, उसके अलावा इसे कुछ भी मालूम नहीं है। डियाबोलो कहता है कि तुमसे ज्यादा तो एक मर्सनरी महंगा होता है। ये कहता है ये मर्सनरी इससे ज्यादा महंगा है। डियाबोलो को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता। इतने में ये आदमी 60 लेवल के एक मॉन्स्टर को समन कर लेता है जो कि डियाबोलो के ऊपर हमला कर देता है। डियाबोलो कहता है लगता है उसने इसे हल्के में ले लिया। उतने में यहाँ पे गड्ढा हो जाता है, जिसके बाद इसे एक 60 लेवल का एक और मॉन्स्टर दिखता है। डियाबोलो कहता है लगता है तुम अभी भी कच्चे हो, तुमने मुझे हल्के में ले लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं डियाबोलो को जो कि इन दोनों वॉर्म को दो टुकड़ों में काट देता है। डियाबोलो से कहता है कि तुम जैसे घटिया इंसान ऐसा समन कैसे कर सकता है, पर उसके बावजूद लगता है तुमने मुझे हल्के में ले लिया। डियाबोलो को कुछ अपने हाथ में सॉफ्ट तो महसूस हो रहा था, बाद में वो देखता है तो वो बलून्स को दबा रहा था। ये आदमी डियाबोलो से पूछता है आखिरकार वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे। डियाबोलो कहता है लगता है तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। पर ये आदमी कहता है तुम कितनी बार अपनी पावर का यूज कर लोगे। डियाबोलो कहता है वो
100 टाइम यूज कर सकता है, पर यह आदमी कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, और ये डियाबोलो के ऊपर हमला कर देता है। पर डियाबोलो अपनी पावर की मदद से इस आदमी को जमा देता है, पर बाद में इसे एहसास होता है कि ल्यूमा ने तो कपड़े पहने ही नहीं रखे, जिसके बाद ल्यूमा बेहोश होने लग जाती है, पर ये जाते हुए इसका शुक्रिया करती है। उतने में हम देखते हैं कि डियाबोलो के साथ यानी कि शेरा और रैम भी यहाँ पे आ जाते हैं। ये दोनों डियाबोलो को ल्यूमा के साथ देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ल्यूमा ने आधे कपड़े पहने होते हैं। इन्हें लगता है कि डियाबोलो ने कुछ किया इसके साथ। डियाबोलो को ये लोग कहते हैं कि उसने इसे असॉल्ट किया है, पर डियाबोलो कहता है ऐसा उसे बिल्कुल नहीं किया। ये दोनों फिर भी डियाबोलो को शक की नजरों से देखने लग जाती है, पर डियाबोलो कहता है पहले हमें सिटी में जाना पड़ेगा, उसके बाद वो सब कुछ इन दोनों को बता देगा। पर हम देखते हैं उस लड़की को जो कि अभी भी वहीं पे होती है। हमें फिर दिखाया जाता है ल्यूमा को होश आ जाता है, जिसके बाद वो इन सबको अपना नाम बताती है जो कि ल्यूमा चीना होता है। ल्यूमा फिर रैम और शेरा से पूछती है आखिरकार गॉड के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है। ये दोनों कहते हैं कि गॉड डियाबोलो तुम्हारा मतलब क्या है। शेरा इसे बताते कि डियाबोलो इनका ओनर है। फिर शेरा यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने लग जाती है आखिरकार इनके गले में कॉलर कैसे आ गया। यहाँ पे शेरा सारी स्टोरी बताने लग जाती है, पर रैम इसका मुंह बंद करती है और कहती है कि डियाबोलो इनकी पार्टी का लीडर है, उसके अलावा कुछ नहीं। ल्यूमा इन्हें कहती है कि जिसने इसे बचाया उसे गॉड होना चाहिए। तो यहाँ पे रैम इसे पूछती है आखिर ऐसा क्यों है, तो ल्यूमा इसे कहती है कि डियाबोलो ने इसे बिना कपड़ों के देखा है। तो यहाँ पे शेरा इसे कहती है ये तो नॉर्मल सी बात है इनके लिए, डियाबोलो इन्हें देखता रहता है। पर इससे पहले अपने सेंटेंस कम्प्लीट कर पाती रैम इसके पीछे छूटी काट देती है, शेरा रुक जाती है। ल्यूमा फिर इन्हें बताते कि सिर्फ इसका हस्बैंड इसे बिना कपड़ों के देख सकते हैं, और अगर वो उसका हस्बैंड नहीं है तो उन्हें शादी करनी पड़ेगी। वहीं पे हम देखते हैं डियाबोलो को जो कि क्लेम को ब्रूम से बाहर निकलने के लिए मना करता है, जब तक उस लड़की के बारे में पता नहीं लगा लेता। उतने में इसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जहाँ पे हम देखते हैं शेरा और रैम मिलके ल्यूमा से बहसबाजी करने लग जाते हैं, क्योंकि इन दोनों की भी डियाबोलो यानी कि डीमन लॉर्ड से शादी करनी है। उतने में यहाँ पे डियाबोलो आ जाता है जो कि कहता है आखिरकार इतना शोर यहाँ पे क्यों हो रहा है। ये फिर देखता है ल्यूमा उठ चुकी है। डियाबोलो सोचता है ये चाहकर भी इसे नहीं बता सकता कि ये डीमन लॉर्ड है, क्योंकि एक चर्च की इंसान है। डियाबोलो फिर इसे बताता है इसे अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी पड़ रही है, क्योंकि कुछ रीजन है जो कि इसे बता नहीं सकता। ल्यूमा इसकी बात मान जाती है और कहती है कि आज से ये डियाबोलो को डियाबोलो सामा बुलाएगी। डियाबोलो फिर ल्यूमा से पूछती है आखिरकार वो है कौन, वो कोई डीमन लॉर्ड को मानने वाले में से तो नहीं है। तो ल्यूमा इसे बताती है कि वो गॉड को मानती है और उसे चर्च में एक हेड प्रीस्ट के नाम से जाना जाता है। डियाबोलो इसकी बातें सुन के समझ जाता है कि आखिरकार ये डियाबोलो को गॉड क्यों मान रही है। रैम फिर से पूछती है आखिरकार चर्च की इतनी खास मेंबर उस जंगल में क्या कर रही थी। ल्यूमा इन्हें बताती है कि चर्च के लोगों को कार्डिनल्स कहा जाता है, जिसमें से कुछ कार्डिनल्स ल्यूमा को मरवाना चाहते हैं, और उससे बुरा ये है कि कार्डिनल्स का हेड जिनका नाम विशोस है वो इनको मानते रहते हैं, हर चीज पे उसकी यकीन करते हैं। डियाबोलो फिर से पूछता है आखिरकार वो तुम्हें क्यों मरवाना चाहते हैं। ये फिर बताती है इसने चर्च के कई सारे इलीगल चीजों पे अपनी आवाज उठाई, जैसे कि पैसे और अलग अलग चीजें। तो डियाबोलो समझ जाता है कि वो अपनी लाइफ की ज्यादा वैल्यू नहीं करती। डियाबोलो समझ जाता है कि ल्यूमा एक इडियट है, जिसके बाद रैम इसे पूछती है आखिरकार वो क्या करना चाहती है। ये इसे कहती है जर्नी पे निकली है, ये हेड पैलेडिन के यहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ पे इसे भटूटा मिलेगा और इसके चर्च में क्या क्या हो रहा है ये सारी चीजों से एक्सप्लेन करेगी। ये उसी के ऊपर भरोसा कर सकती है क्योंकि वो एक नॉवल पर्सन है, और इसे ऐसा लगता है कि वही एक इंसान है जो कि इसे प्रोटेक्ट कर सकता है। रैम फिर ल्यूमा से पूछती है ऐसा कोई इंसान है जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकती है। ल्यूमा इसे बताती है उसका नाम ट्रिया था, पर उसने अपनी जान दे दी इसकी जान बचाने में, और वो असासियन भी फेल हो गए, जिसका मतलब वो इसके ऊपर दोबारा से हमला करने के लिए आएंगे। ल्यूमा को पता है उसकी जान को खतरा है, पर फिर भी वो बॉर्डर सिटी जरकॉन टावर के वहाँ जाना चाहती है, जहाँ पे बुटार्ड से मिलेगी और वो सारा सिचुएशन उसे बताएगी। जहाँ पे ल्यूमा जाना चाहती है वहाँ पे डियाबोलो भी जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे एक डेंजरिंग है। तो यहाँ पे शेरा और रैम भी मान जाते हैं। रैम फिर ल्यूमा से कहती है ये लोग उसे सेफली उस जगह तक पहुंचा देंगे जहाँ पे ल्यूमा जाना चाहती है, पर ल्यूमा कहती है वहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है। पर ये लोग कहते हैं जब तक इनके साथ डियाबोलो है इन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डियाबोलो फिर ल्यूमा को कहता है उसकी पावर चाहिए वो उसे दे देगा। ल्यूमा फिर यहाँ झुक के डियाबोलो का शुक्रिया करने लग जाती है एक गॉड की तरह। उतने में यहाँ पे क्लेम आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी डीमन लॉर्ड को और सारे बिस्किट चाहिए। ल्यूमा इन दोनों को देख के समझ जाते हैं ये दोनों डीमन है, और ये दोनों भी समझ जाते हैं कि ल्यूमा एक गॉड की फॉलोवर है। उतने में एडलगार्ड ल्यूमा के ऊपर हमला कर देती है, पर डियाबोलो उसके हमले को रोक देता है और कहता है कि तुम इसको नापसंद करती हो और ये गॉड की तरह स्मेल करती है, इसी वजह से तुम इसके ऊपर हमला करोगी, ये मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। डियाबोलो फिर फैसला करता है कि क्लेम और एडलगार्ड इसी सिटी में रहेंगे, जबकि डियाबोलो शेरा और रैम अपना मिशन कम्प्लीट करने के लिए जाएंगी, और ये सभी लोगों को बता देते कि क्लेम के ऊपर नजर रखना और साथ ही साथ एडलगार्ड के ऊपर भी। सभी लोग हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि डियाबोलो को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम फिर देखते हैं यहाँ जाने का टाइम हो चुका होता है, तो शेरा क्लेम को उसका ध्यान रखने के लिए कहती है। क्लेम कहते हैं उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आखिरकार वो डीमन लॉर्ड है। पर जाने से पहले वो शेरा के तीर कमान में अपनी पावर का छोटा सा टुकड़ा दे देते हैं, जिसकी वजह से शेरा का जो वेपन है वो और ज्यादा अपग्रेड हो जाता है और ताकतवर भी हो जाता है। जाने से पहले शेरा क्लेम का शुक्रिया करती है और ये लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं, जो कि है जरकॉन टावर की यहाँ पे। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और यार माफ करना अगर थोड़ी वॉइस ऊपर नीचे हो रही हो, क्योंकि आज पंखा चला के कर रहा हूँ और थोड़ी वॉइस पीछे नॉइस आ रही हो, तो माफ कर देना। बस जाते हुए क्या ही कहूँ, गर्मी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।